हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल यस और ठीक होंगे। आज का जो रिएक्शन है वो हम करने जा रहे हैं, बड़ा मशहूर नाम है, चलो यार बता देता हूँ, गांधीनगर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, बड़ी मज़े की वीडियो है, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ओके, वीडियो को करता हूँ मैं शुरू। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का पहला फाइव स्टार रेलवे स्टेशन के बारे में, जो बनके तैयार है यात्री परिसेवा के लिए। गुजरात की राजधानी शहर गांधीनगर में इस स्टेशन को रीडेवलपमेंट करके बनाया गया है। इंडियन रेलवे और गुजरात गवर्नमेंट मिलकर देश का पहला फाइव स्टार रेलवे स्टेशन को बनाया है। आखिर इस रेलवे स्टेशन को फाइव स्टार स्टेशन क्यों कहा जा रहा है, आखिर इसमें खासियत क्या है, क्या क्या मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है स्टेशन के अंदर, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर अपना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। इंडियन स्टेट गुजरात और यहाँ के राजधानी शहर है गांधीनगर। यहाँ पे ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला फाइव स्टार रेलवे स्टेशन बना है। इस रेलवे स्टेशन को देखकर और इसके बारे में जानकर आपको जरूर झटका लग सकता है। आज के समय की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज को यूज किया गया है स्टेशन के अंदर, ताकि सारे पैसेंजर्स को और ज्यादा बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, यात्रियों को सारी सुविधा मिले, इसको ध्यान में रखकर स्टेशन को सजाया गया है। इंडियन रेल एंड गुजरात गवर्नमेंट मिलकर स्टेशन की ब्यूटिफिकेशन किया है। टारगेट था स्टेशन एंड इसके आसपास के एरिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस तैयार करना, जिससे सिर्फ यात्री ही नहीं स्टेशन को देखने के लिए दूर से अलग से टूरिस्ट भी आएंगे। अकॉर्डिंग टू रेलवे ये टारगेट पूरा हो चुका है। चलिए जानते हैं इस फाइव स्टार रेलवे स्टेशन के अंदर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। लोकल एनवायरमेंट एंड सारी सुविधा को नजर में रखकर स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया गया है। यात्रियों की भीड़ को नजर में रखकर स्टेशन की एग्जिट एंड एंट्री गेट काफी वाइड रखा गया है। स्टेशन के अंदर एकदम सामने कॉन्कोर्स रहेगा, एयरपोर्ट की तरह ही होगा ये कॉन्कोर्स, जो कि स्टेशन के बाहर एक बड़ी सी खुला जगह की तरह होगा। हालांकि इस कॉन्कोर्स की काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्कोर्स कंप्लीट होने के बाद करीब 2500 लोगों की भीड़ संभाल सकता है ये रेलवे स्टेशन। बहुत जल्दी टिकट बाय किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम को लगाया गया है। स्टेशन के बाहर के ब्यूटिफिकेशन में खास ध्यान दिया गया है, बहुत सारे थीम के ऊपर डिपेंड करके लाइटिंग किया गया है। बहुत सारे कलरिंग एलईडी लाइट्स से पूरे स्टेशन को कवर अप किया गया है, रात में स्टेशन को देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ स्टेशन के पास डांडी कुटीर को भी लाइट के कैनवास के साथ मिल जाएगा। 77 मीटर ऊंचा इस बिल्डिंग के वॉल में रात में लाइटिंग प्ले किया जाएगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू रेलवे स्टेशन में आर्ट गैलरी होगा, आर्ट गैलरी के पास में ही बड़ी सी एलईडी स्क्रीन होगा, जहां पे ट्रेन की सारी इंफॉर्मेशन को यात्री देख पाएंगे। स्टेशन के अंदर एयरपोर्ट की तरह सेंट्रलाइज्ड एसी वेटिंग लाउंज होगा, जहां पे 500 से भी ज्यादा लोग विश्राम कर सकते हैं। वेटिंग कर रहे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे काफी सारे सुविधा मिलेगा। हैंडीकैप लोगों के लिए सीधे पार्किंग लॉट से स्टेशन के अंदर आने के लिए एस्केलेटर, रैंप एंड लिफ्ट भी होगा। ट्रेन के लिए वेट करने की समय भगवान की प्रे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे धर्म के प्रेयर हॉल्स बनाया गया है स्टेशन के अंदर ही। माता के लिए अलग सा एसी बेबी फीड रूम बनाया गया है, जो काफी रेयर दिखे जाते हैं। इसके अलावा स्टेशन के अंदर यात्रियों के बैठने के लिए अच्छी मैनेजमेंट सीट्स है। यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए काफी सारे सबवे बनाया गया है। पार्किंग के लिए भी ह्यूज एरिया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म की रूफ को पकड़ने के लिए कोई पिलर्स नहीं रहेगा, इससे भीड़ के समय यात्रियों के चलने में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेशन के सारे साइंस को भी बहुत ही इजी किया गया है। स्टेशन के अंदर काफी सारे ब्रांड की मिनी आउटलेट होगा, जहाँ पे ब्रांडेड कंपनी की फूड्स एंड एंटरटेनमेंट सर्विस होगा। ऑलरेडी बिग बाजार, शॉपर स्टॉप जैसे ब्रांड इंटरेस्ट जताया है। रेल की तरफ से बताया गया है स्टेशन को सिटी सेंटर रेल मॉल बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन के ऊपर फाइव स्टार होटल बनाया गया है, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा गेस्ट के लिए। 7400 वर्ग मीटर पर बना ये होटल, यहाँ पे 318 रूम है। इसको तैयार करने में रेल को करीब 800 करोड़ रुपए का कॉस्ट पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जो कि देश का पहला फाइव स्टार रेलवे स्टेशन है। अपकमिंग डेज में और भी काफी सारे स्टेशन को ऐसे ही रीडेवलपमेंट किया जाएगा। लिस्ट में 125 स्टेशन का नाम है, जिसमें बेंगलोर, अयोध्या, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर जैसे रेलवे स्टेशन शामिल है। आई होप दैट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल। मैं हैरान हो रहा हूँ, मतलब यार रेलवे स्टेशन में सारे ब्रांड, फाइव स्टार होटल, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं क्या बताऊँ,
इंडिया बहुत आगे जा रहा है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बनता जा रहा है इंडिया। मुझे कमेंट करके आप सबने लाजमी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगली वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।